राजेश्वरी चैटर्जी, भारत की पहली महिला इंजीनियर, अपने ग्राउंड ब्रेकिंग माइक्रोवेव रिसर्च वर्क के लिए भी जानी जाती हैं। पर ये सब अचीवमेंट्स उनको यूं ही नहीं मिली थी। आजादी की जंग के बीच वो अपने देश को छोड़ एक अनजान देश में तब पढ़ने गईं, जब बाहर जाकर पढ़ना लड़कों के लिए भी बेहद मुश्किल था, और वापस आकर अपने देश को साइंस और टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया। राजेश्वरी चैटर्जी ने अपनी स्कूलिंग के बाद सेंट्रल कॉलेज ऑफ बेंगलोर से मैथमेटिक्स में बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की। उनकी डेडिकेशन इतनी थी कि उन्होंने दोनों डिग्रीज में पहला रैंक हासिल करा। उन्हें कृष्णराज वॉयजर अवार्ड, नारायण एंगर प्राइज एंड द वॉल्टर्स मेमोरियल प्राइज से सम्मानित किया गया। इंटरेस्टिंगली, राजेश्वरी चैटर्जी ने सीवी रमन के अंडर रिसर्च एसोसिएट बनने के लिए अप्लाई किया था, पर उनके साथ भी वही घटी जो कमला सोनी के साथ घटी थी, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कई लोगों का कहना है कि चैटर्जी को इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि उनके पास साइंस की डिग्री ही नहीं थी, पर कई लोगों का कहना है कि सीवी रमन औरतों को अपने अंडर रिसर्च एसोसिएट रखने के लिए राजी ही नहीं थे। हालांकि कुछ समय बाद सीवी रमन ने तीन औरतों को अपनी गाइडेंस में लिया, पर तीनों में से किसी को भी पीएचडी की डिग्री दी ही नहीं गई। खैर, राजेश्वरी जी के लिए अब बाकी था पीएचडी हासिल करना। वो समय तब का था जब महिलाओं का साइंस में कंट्रीब्यूशन ना के ही बराबर था। इसी को देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक स्कॉलरशिप शुरू की, जो कि ब्राइट स्टूडेंट्स को यूएसए, ब्रिटेन और कैनेडा जाकर पढ़ने का मौका देगी। राजेश्वरी चैटर्जी ने ये स्कॉलरशिप भी जीती और आज़ादी की ललकारों के बीच इंडिया छोड़ अपनी पीएचडी एक बिल्कुल अनजान देश यूएसए में परस्यू करी। इंडिया वापस आकर राजेश्वरी को आईआईएससी के इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज अ फैक्यूलिटी मेंबर अपॉइंट किया गया, और उन्होंने वहीं के एक फैक्यूलिटी मेंबर सिसिर कुमार चैटर्जी से शादी की। राजेश्वरी चैटर्जी ने अपने अंडर लगभग 20 पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी, 100 रिसर्च पेपर्स और 7 बुक्स भी लिखी, जिनमें से एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है और एक और बुक वासुदेव कुटुंबकम भारत के लोगों की कई अनकही कहानियों पर लिखी गई है। राजेश्वरी जी के अंडर पढ़ने वाले बच्चों का कहना था कि वो शुरुआत में तो बेहद ही स्ट्रिक्ट थी, पर वो सिर्फ साइंस की मुश्किलों में ही नहीं बल्कि बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी उनका बहुत सपोर्ट करती थी। उनकी लैब में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ रिसर्च करती नज़र आती थीं। सेकेंडरी एजुकेशन लेते समय ही इतनी परेशानियाँ झेलने और मेहनत करने के बाद शायद वो भी नहीं चाहती थी कि लड़कियों को इस मुकाम पर आकर लड़की होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाए। शादी के बाद सिसिर और राजेश्वरी ने मिलकर भारत में पहली माइक्रोवेव रिसर्च लेबॉरेटरी भी खोली और बेमिसाल रिसर्च वर्क किया। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में उनकी की गई रिसर्च भारत में होने वाली अपने आप में ऐसी पहली रिसर्च थी। आईआईएससी से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर वुमेन्स स्टडी में रहकर कई सोशल प्रोग्राम्स में भी मदद की, जो कि लड़कियों को साइंस और टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करने को प्रेरित कर पाए। उनके सोशल और साइंटिफिक वर्क के लिए उनको जितने प्राइज मिले वो भी कम है। पर सन 2010 में राजेश्वरी चैटर्जी ने अपने घर में अपना दम तोड़ दिया और अपने पीछे हिम्मत और जज्बे की वो मिसाल छोड़ गई जो अगली अनगिनत पीढ़ियों की महिलाओं को आगे बढ़ने का हौसला देगी। शी इज द प्राइड ऑफ इंडिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।